नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शुक्रवार को भारत की लौह महिला भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जन्म जयंती जिला कांग्रेस कमेटी में शिद्दत के साथ मनाई गई। गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के अवसर पर कांग्रेसियों ने गुरुद्वारे पहुंचकर दरबार साहिब में मत्था टेक सेवा का संकल्प लिया। जिला अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के संयोजन में चल रही महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पद यात्रा में प्रदेश महासचिव जोनल प्रभारी विवेकानंद पाठक, प्रदेश सचिव जिला प्रभारी मोहम्मद अनीस खान शामिल हुए। पूर्व प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जिला कांग्रेस कमेटी में जन्म जयंती समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ प्रदेश महासचिव विवेकानंद पाठक ने कहा कि भारत रत्न स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जन्म जयंती है। भारत देश को मजबूत बनाने में, संगठित करने में और विश्व के मानचित्र पर शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी की बड़ी भूमिका रही। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो या हरित क्रांति, सेना को सशक्त कर पाकिस्तान को युद्ध में हराना हो या पाकिस्तान तोड़कर नए देश बांग्लादेश की स्थापना, इंदिरा गांधी ने नए भारत को संघर्ष करना सिखाया, लड़ना सिखाया, विश्व की आंखों में आंखें डालकर बात करना सिखाया। प्रदेश सचिव मोहम्मद अनीस खान ने कहा कि आज देश में चल रही सरकार सशक्त भारत के बुनियादी ढांचे को मिटाने का काम कर रही है। किसान, मजदूर, नौजवान, हर तबके को सरकार मिटाने की फिराक में है। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जनता ने मन बना लिया है। जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने बताया, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिले भर में महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पद यात्रा चलाई जा रही है, जिसमें प्रियंका गांधी के प्रतिज्ञा के पर्चे बांटे जा रहे हैं। आम जनता में मौजूदा सरकार को लेकर बहुत आक्रोश है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के नारे से महिलाएं प्रभावित हैं। इस मौके पर वरिष्ठ नेता हरीश त्रिपाठी, प्रदेश सचिव राहुल त्रिपाठी, अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश सचिव सलाउद्दीन हाशमी, जिला महासचिव नकी जाफर, डीसी पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष के मिश्रा, हौसला प्रसाद आदि लोग मौजूद रहे। आज सुल्तानपुर आपका आने का कारण क्या है? देखिए, हम पिछले दो दिन से सुल्तानपुर में हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि पूरे प्रदेश में हम सबकी नेता और उत्तर प्रदेश की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर महंगाई को लेकर और उनकी प्रतिज्ञाओं को लेकर एक हम प्रतिज्ञा पदयात्रा विधानसभा स्तर पर कर रहे हैं। प्रदेश के सभी विधानसभाओं में ये पदयात्रा हो रही है। रोज लगभग 8 किलोमीटर हर एक विधानसभा में हम पदयात्रा करते हैं और पर्चा वितरित करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, जन जागरण फैलाते हैं महंगाई को लेकर। और खास तौर पे हमारी नेता ने जो प्रदेश की जनता से 8 महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाएं की हैं, जिसमें कि छात्राओं को स्कूटी से लेकर महिलाओं को 40% रिजर्वेशन, धान का जो क्रय है वो 1800 से बढ़ाकर 2500 रुपया, कोरोना में 25,000 रुपया कोरोना पीड़ित परिवार की मदद को लेकर, बिजली बिल हाफ को लेकर, किसानों का कर्जा माफ को लेकर, नौजवानों को रोजगार को लेकर, ये तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं, गांव-गांव घूम रहे हैं और महंगाई के मुद्दे पर भी जनता को जागरूक कर रहे हैं कि किस प्रकार से पेट्रोल, डीजल, खाने के पदार्थ, तेल, कड़वा तेल, ये सारे महंगे हो गए हैं, सब्जियां, तो आप देख रहे हैं इस सब मुद्दों को लेकर हम सब, क्योंकि हमारे साथ इस जिले के जिला अध्यक्ष अभिषेक जी हैं, इस जिले के प्रभारी और प्रदेश सचिव अनीस जी भी हैं, ये लोग लगातार पिछले 14 तारीख से बाल दिवस से ही ये यात्रा शुरू हुई थी और अगले 24 तारीख तक ये पूरी यात्रा चलेगी, उसका ये लोग कुशल नेतृत्व कर रहे हैं, अच्छे से कार्य कर रहे हैं। तो अभी डीजल का दाम तो 10 रुपए कम किया था, पेट्रोल में 5। देखिए, ये जुमला है, आप किसी भी चीज का रेट पहले बढ़ा दीजिए 115 रुपए कर दीजिए, उसके बाद उसमें 10 रुपए कम कर दीजिए तो वो 105 रुपए का हो गया। जबकि आप देखेंगे कि जब यूपीए गवर्नमेंट थी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल था, कच्चे तेल की कीमत जब $112 प्रति बैरल हुआ करती थी, तब भी सरकारें, उस समय की जो सरकार थी वो पेट्रोल 72 रुपए से ज्यादा नहीं होने दी थी और डीजल की कीमत
64 रुपए से ज्यादा नहीं होने देती, लेकिन आज जब उसके उल्टे कच्चे तेलों की कीमत $52 प्रति बैरल है, तो ऐसे में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। लगातार वसूली जारी है केंद्र सरकार के तरफ से, ये जनता से वसूली हो रही है, और जब उपचुनाव के कुछ नतीजे सरकार के फेवर में नहीं आए तो सरकार को लगा कि ये कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि